हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। टुडे वी विल डिस्कस सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.3 फॉर क्लास 11 मैथ। तो एक्सरसाइज 1.3 को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसेट क्या होता है। तो सबसेट क्या है, इस सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब एक सेट ए है, एक सेट ए, उसे हम सबसेट बोल रहे हैं। सेट ए को सेट बी का सबसेट बोल रहे हैं। कब? जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट हो जाएं। तो कैसे? मान लीजिए एक सेट है, इसमें आपके पास दो एलिमेंट है ए एंड बी। ठीक है, एंड बी सेट है, इसमें आपके पास एलिमेंट है ए बी सी। देन हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो ए के एलिमेंट हैं ए और बी, वो बी सेट के भी एलिमेंट्स हैं। ए और बी बी सेट में भी हैं। ठीक है, तो ए को हम कह सकते हैं कि ये बी का सबसेट है। क्लियर? अब इसे लिखते कैसे हैं? वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एज फॉलो, ए सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ कोई एलिमेंट अगर ए को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग करे बी को भी। क्लियर? तो द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर इज ए सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन। क्लियर? तो यहां पर ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट है? बी सेट के भी एलिमेंट है, तो इसलिए हम बोल देंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और अगर ये जरूरी नहीं है कि जो बी सेट में एलिमेंट हो वो सारे के सारे ए में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ए के तो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बट बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो ए में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है ना, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, ये केस देखा, यहाँ पर ए ए सेट में दो ही एलिमेंट है ए और बी। बी सेट में कितने एलिमेंट है? तीन एलिमेंट है, तो जो सी है, सी जो है वो ए के अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि बी के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में भी हो। अगर ऐसा हो जाए, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तब हम कह सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A आल्सो। कैसे? अगर हम B में भी ले लेते हैं A, B एंड C, और A सेट में भी आपके एलिमेंट हैं A, B, C, तब हम देख रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट B में हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया कि A इज ए सबसेट ऑफ B। B के सारे एलिमेंट A में हैं, तो हम कह सकते हैं कि B इज आल्सो ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन हो जाए कि ए सबसेट हो बी का भी एंड बी सबसेट हो ए का भी, ठीक है, तो इन दोनों केस में हम कह देंगे कि ए इक्वल है बी के। ठीक है ना, ए इक्वल भी, हमने ये 1.2 एक्सरसाइज में इक्वल की कंडीशन पढ़ी थी, तो आपको सबसेट्स और इक्वल सेट में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जिसे हम सबसेट बोल रहे हैं उसके तो सारे एलिमेंट सेट में होने चाहिए, बट सेट के सारे एलिमेंट सबसेट में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है? सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर है? तो ये सबसेट की बात आपको समझ आई। अब अगर ए सबसेट नहीं है, If A is not a subset of B, तो हम कैसे लिखेंगे? A doesn't contain B, तो हम ये सिंबल लगा के ऊपर लाइन लगा देंगे। ठीक है,
तो ये इसका डजंट कंटेन का सिंबल है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स का जो सेट है जिसे हम डिनोट करते हैं क्यू से, वो किसका सबसेट है? सेट आर ऑफ रियल नंबर्स का। एंड वी राइट क्यू कंटेन्ड है आर में, ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर्स में तो सारे रैशनल इरेशनल सभी तरह के नंबर्स आते हैं और जो क्यू है उसमें सिर्फ रैशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। जो आर है उसमें रैशनल और इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल दोनों तरह के नंबर आते हैं, तो हम क्यू को कह सकते हैं ना कि इसका सबसेट है, क्योंकि हमने अभी सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी कि सबसेट उसी को कहेंगे हम जब उस सबसेट के सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर हों। तो सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स में होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि एक ए सेट है 135 और बी एक सेट है, वो क्या है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ओड भी होना चाहिए नेचुरल नंबर भी लेस देन 6, तो वो भी आपके पास 135। कौन कौन से आ जाएंगे बी में, वो भी 135 ही आएंगे, ठीक है ना। देन यहां से ए भी सबसेट हो गया बी का एंड बी भी सबसेट हो गया ए का, तो इन दोनों केस में ए इक्वल है बी के, जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये सेकंड इस तरह से हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक ए हमने सेट लिया ए आई ओ यू एंड बी हमने सेट लिया ए बी सी डी, ठीक है। देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ई आई ओ यू एलिमेंट्स जो हैं वो बी सेट में तो है ही नहीं है, और हमने सबसेट्स में पढ़ा है कि उस सबसेट के सारे एलिमेंट सेट में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो ई आई ओ यू ए में तो हैं, सबसेट में तो हैं, बट बी सेट में नहीं है, तो हम इसे सबसेट नहीं कहेंगे, और बी के भी एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, क्लियर है। तो ये बात हो गई सबसेट की। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सबसेट को लेकर, जो आपको पता होने जरूरी है, वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में है एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अगर ए में कोई एलिमेंट है 1 2 हम लगा लेते हैं, तो हम एवरी सेट ए कोई भी सेट है वो अपने खुद का सबसेट तो होता ही होता है, तो हम कह देंगे ए कंटेन्ड ए, ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, कोई भी सेट है वो अपने खुद का तो सबसेट है ही। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एम्प्टी सेट होता है जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता, और हम कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो भी सबसेट होता है एवरी सेट का। जैसे ये एक ए सेट है, तो जो एम्प्टी सेट 5 है वो भी इस सेट का सबसेट होगा, ठीक है। तो हमेशा एक एम्प्टी सेट और खुद वो सेट, वो दोनों ही किसी भी सेट के सबसेट होते हैं, क्लियर। थर्ड एक पॉइंट है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ ए कंटेन्ड बी, ठीक है, ए सबसेट है बी का एंड ए नॉट इक्वल टू बी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था अभी, ए 1 2 है एंड बी 1 2 3 है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए सबसेट तो है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ठीक है, बट ए नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि 3 जो है वो ए में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस केस में हम क्या कहेंगे, ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इसका प्रॉपर सबसेट है, ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो ए को हम बोल देंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और बी को हम बोल देंगे सुपर सेट, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है इस तरह से। और एक फोर्थ पॉइंट है, इफ ए सेट ए हैज ओनली 1 एलिमेंट वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट, और उसको लिखते ऐसे, अगर ए सेट में कोई एक ही एलिमेंट है तो उसको हम
इस तरह से लिखेंगे सेट में, और उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। इसका क्या नाम होता है, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये आपको कुछ एक बातें पता होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं उनके सबसेट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 जब की थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है ना, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक सेट बन जाता है इस तरह से, उसे हम एन से डिनोट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू। और इंटीजर्स को हमने डिनोट किया था जेड से। ठीक है, तो यहां पर भी नेगेटिव वैल्यूज 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। और क्यू को हमने डिनोट किया था सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, वो रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म के, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग करते हो जेड को एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये सेट ऑफ रैशनल नंबर थे। आर जो होते हैं वो होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें सारे रैशनल इरेशनल सारी तरह के नंबर्स आ जाते हैं। तब अब हम देखते हैं, हमने सबसेट्स की बात करनी है कि जो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं ये किसका सबसेट बन सकते हैं। देखो, सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं अब हम वो देखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो सकता है। नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का भी सबसेट हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स में हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो n है वो सबसेट बन सकता है z का, मतलब इंटीजर्स का। ठीक है, इस तरह से अगर हम z को देखें, जो इंटीजर्स होते हैं वो किसके सबसेट बन सकते हैं, वो सबसेट बन सकते हैं रैशनल नंबर्स के, क्योंकि सारे इंटीजर्स जो एलिमेंट्स होते हैं इंटीजर्स के सारे रैशनल नंबर्स के भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं ना अपॉन वन में, तो ये आपके रैशनल नंबर्स बन गए, 0/1 भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म के हो गए सारे इंटीजर्स। ठीक है ना, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो सबसेट बन सकते हैं रैशनल नंबर्स के। ठीक है, और रैशनल नंबर्स सबसेट बन सकता है रियल नंबर का। ठीक है, इस तरह से हम ये सबसेट्स बना सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को देखते हुए। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की, कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ये दो तरह के होते हैं इंटरवल। पहला है ओपन इंटरवल, दूसरे को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई एलिमेंट है वो आर से आ रहे हैं, एंड ए लेस देन बी, देन दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो रियल नंबर ऐसे नंबर वाई जो ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ए कोमा बी। तो ओपन इंटरवल की जो ब्रैकेट है वो कौन सी होती है, इस तरह से ए कोमा बी, स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, व्हेन ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू द ओपन इंटरवल बट ए कोमा बी themselves do not belong to this interval। ठीक है, यहां पर a और b include नहीं है इस set में। इस set में सिर्फ
ए और बी के बीच के एलिमेंट आएंगे, तो इसे हम ओपन इंटरवल बोल रहे हैं। हम रियल नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं, ये आपके पास एक नंबर लाइन है, हम सपोज कर लेते हैं ये कोई एक पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, जैसे ये फिगर में ड्रॉ भी की हुई है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बी, हम इसे इस तरह से कर लेते हैं। तो जो ये बीच के आपके पास, तो जो ये आपके पास बीच के ये पॉइंट्स आएंगे, ये बीच के ए और बी को छोड़ के ये बीच के जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये सारे इस सेट के अंदर हैं, इस सेट में, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और ये ओपन इंटरवल क्या है, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, तो ये ओपन इंटरवल सबसेट है आर का, ठीक है। इस ओपन इंटरवल को हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज इंटरवल, कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल में क्या है, द इंटरवल, क्लोज इंटरवल को अब हम डिनोट करते हैं इस तरह से, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट है ए कोमा बी, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को हमने किया था इस ब्रैकेट से डिनोट, यहां पर ए और बी इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल में ए और बी के बीच के पॉइंट आते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल में वो एलिमेंट्स आते हैं जहां पर आपका बीच के एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, ए और बी के बीच के, साथ में ए और बी भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। विच कंटेन दी एंड पॉइंट्स आल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल में हमारे पास एंड पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि क्लोज इंटरवल में हमारे पास एंड पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे अगर हम इसे नंबर लाइन पे डिनोट करें, अगर आपके पास मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो आपके पास यहाँ पर अब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट भी इंक्लूड होगा, और बीच के सारे जो पॉइंट्स आएंगे उसको हम इस तरह से सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो हैव इंटरवल क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट द अदर, दैट इज दिस इंटरवल। इसे हम सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं, जो एक साइड से तो क्लोज्ड है और एक साइड से ओपन है, ठीक है। तो अगर जिस साइड से क्लोज्ड है, मतलब वो वाला एंड पॉइंट इंक्लूड है इस सेट में, जिस साइड से ओपन है वो एंड पॉइंट इस सेट में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, वो एक्स जो जहां पर ए लेस देन इक्वल टू एक्स हो लेस देन बी, अब ए एक्स के इक्वल भी है क्योंकि ए के साथ क्लोज्ड ब्रैकेट लगी है, क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं इज एन सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। तो इसको नंबर लाइन पे इस तरह से डिनोट करेंगे, इसमें ए तो आपका इंक्लूड है और बीच के सारे पॉइंट्स आएंगे, बट बी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा फिगर में, और इस इंटरवल को भी यहां से अब ए ओपन है और बी क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ये भी आपके पास सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल बोलेंगे, फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। तो यहां पर देखो ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हो गई इंटरवल की बात, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर सेट की बात, कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, इन पी ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। पावर सेट क्या होता है, कि कलेक्शन करनी है अब हमने ऑल सबसेट्स की, ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, किसी ए सेट के कोई एक सेट है मान लो जैसे 1 2, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे
उनको हमने एक सेट में डाल देना है, तो वो एक पावर सेट बन जाएगा आपका, सेट नहीं है। तो कैसे देखो, इसके सबसेट्स कितने हो सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताया था, एक तो एम्प्टी सेट हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा, वो सेट खुद भी सबसेट होता है अपने सेट का, ठीक है। तो दो सबसेट मिल गए हमें, और इसका सबसेट क्या बन सकता है? एक इसका सबसेट वन बन सकता है, ठीक है, और एक इसका सबसेट टू बन सकता है, क्लियर। ए को तो हमने लिख ही दिया सबसेट इसका, तो यानी ए की जगह हम 1, 2 भी लिख सकते हैं। जैसे एक एक एम्प्टी सेट हो गया इसका, ठीक है, एक एक वन हो गया सिंगलटन सेट, एक टू हो गया सिंगलटन सेट, और एक खुद ए हो गया, और इस ए की जगह हमने डाल दिया ये 1, 2। तो इन्हें अगर हम एक सेट में डाल दें, इन सारे सबसेट्स को हम एक सेट में डाल दें, सेट में डालने का मतलब हमने ब्रैकेट में डाल दिया उसको सब, ठीक है, इस सेट को भी हमने और 1, 2 को भी, तो ये सेट आपका बन जाएगा पावर सेट, क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं पावर सेट में। 4 हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की स्क्वेयर। तो अगर हमें पावर सेट में एलिमेंट्स देखने, तो कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास किसी सेट में जितने एलिमेंट हैं, पावर सेट में एलिमेंट निकालने के लिए हम 2 की पावर वो नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देंगे। जैसे एक ए सेट में m एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 2 की पावर m, ठीक है। अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसके पावर ऑफ सेट में देखने हो, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 3, तो यानी 8 एलिमेंट आएंगे इसके, ठीक है। पावर सेट में इसके जो सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे, इस सेट के सबसेट 8 बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पावर सेट। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या है? इन्हें पट्टी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट सेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू। तो यूनिवर्सल सेट डिपेंड करता है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे, कि आपके पास किस तरह का सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको देखकर हम जो सबसे बड़ा सेट बन सकता है उसे हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लें फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अगर हमने एक जेड सेट लिया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा इस केस में? इंटीजर्स के सेट में, इंटीजर्स के सेट में यूनिवर्सल सेट रियल नंबर बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स रियल नंबर से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बिगेस्ट सेट होता है। तो ये पर्टिकुलर केस पर डिपेंड करता है कि आपके पास वो सेट किस तरह, क्लियर।